अगेन वेलकम यू ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एंजाइम्स के बारे में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं, जिनको डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन डीलिंग विद द डीएनए और द फॉरेन जीन विच इज अल्टीमेटली अ डीएनए। सो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स चार क्लासेस होते थे, न्यूक्लियस, लाइगेज, पॉलीमरेजेस और मॉडिफाइंग एंजाइम्स। तो फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने पढ़ा एंडोन्यूक्लियस होते थे, एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस वो जो एक बार में एक ही नहीं रैंडमली कहीं से भी कट लगा देते हैं और सीधा दो फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं किसी भी जीन को या डीएनए फ्रेगमेंट को। पर्टिकुलरली एंडोन्यूक्लियस में भी जो है स्पेशल टाइप के एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो यूज किए जाते हैं आरडीटी में, यानी इन रियली सबसे ज्यादा जो यूज किए जाते हैं एंजाइम्स और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किए जाते हैं। तो कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस डिफरेंस है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे, फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने बताया था कल भी कि रेस्ट्रिक्शन वर्ड जो आता है वो आता है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया क्या करते थे, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम फॉरेन डीएनए अटैक। अब फॉरेन डीएनए अटैक का मतलब है कोई वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर ना आ जाए। मान लीजिए वायरस है, ठीक है, और जनरली बैक्टीरियोफाज जो होते हैं वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो अपना डीएनए जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ देते हैं बैक्टीरिया के। ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ अपनी कॉपी बना सकता है और नए वायरस बना देगा अल्टीमेटली कॉपी करके। तो डीएनए क्या करता है, एक मशीनरी यूज करता है या एक प्रिवेंशन यूज करता है कि कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, वो एंजाइम्स जो अल्टीमेटली डीएनए आया था या स्टार्टिंग में जो डीएनए आया था उसको ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तोड़ देता है। इससे होता क्या है कि इसके जो जीन थे वो टूट गए तो ये नई कॉपी नहीं बनाएगा अपनी, तो उस मैकेनिज्म को रेस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। यानी बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन कर रहा था, रेस्ट्रिक्ट कर रहा था किसको, वायरस को। तो वो एंजाइम्स जो डीएनए को तोड़ने का काम कर रहे थे उनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, और यही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किए जा सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज अ इंपॉर्टेंट टूल, एज अ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। तो वहां से इसकी डिस्कवरी हुई थी, वहां से प्रॉपर्टी देखी गई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, और अब हम इसको नॉर्मल डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी, केवल वायरस का नहीं, उनको भी स्पेसिफिक साइट से कट करने के लिए यूज करते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस तो जनरली ऐसे एंजाइम है जिनको डाल दिया जाए तो वो कहीं से भी रैंडमली कट लगा देंगे और डीएनए फ्रेगमेंट को तोड़ देंगे, बट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो स्पेसिफिक साइट पर और स्पेसिफिक लिमिट में कट करते हैं। सो दीज आर स्पेशल एंडोन्यूक्लियस विच क्लीव द डीएनए फ्रेगमेंट। क्लीव वर्ड यूज करते हैं हम कट के लिए, विच क्लीव और कट द डीएनए फ्रेगमेंट। देखिए मान लीजिए हमने इस तरह से कोई डीएनए फ्रेगमेंट था, S1 एंडोन्यूक्लियस डाल दिया मान लीजिए, ठीक है, तो S1 को नहीं पता कि कहां स्पेसिफिकली कट करना है, किस न्यूक्लियोटाइड पर कट करना है, वो रैंडम कटिंग करते हैं, लेकिन करेंगे इंटरनली तो डीएनए को दो टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देंगे, या S1 है तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कट करेगा, बट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पता है कि एग्जैक्टली कहां कट करना है, तो उस स्पेसिफिक साइट को which clear the DNA specific site, उसको हम कहते हैं restriction site, ठीक है, और specific limit में। Nucleotides. इसे यह भी पता है कितने न्यूक्लियोटाइड काटने हैं, किस पैटर्न में कट करना है, यानी सारा काम इसका स्पेसिफिक होता है, इसीलिए ये बेस्ट एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो यूज किए जाते हैं। तो इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। ये मॉलिक्यूलर कैची है बिकॉज ये क्या करती हैं, कट करती हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को। इनकी जरूरत कहां पड़ी थी, मैं थोड़ा याद दिला दूं, प्रोसेस में याद कीजिए, डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म से फॉरेन जीन को एक्सट्रैक्ट करना था तो वहां डीएनए फ्रेगमेंट कट करना था। मान लीजिए पूरा जीनोम है लॉन्ग, इसमें इस पोर्शन में डीएनए था ये, तो इनको कट करने के लिए इस डीएनए को जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की जरूरत होती है। सिमिलरली वेक्टर को कट करके वेक्टर के अंदर लाइगेट कराना डीएनए, तो वहां भी कटिंग करनी पड़ेगी, जहां जहां भी डीएनए की कटिंग करनी होती है ये यूज किए जाते हैं। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, 2 एंड 3। 1 एंड 3 के लिए स्पेसिफिक साइट्स नहीं होती, आर नॉट स्पेसिफिक, दे आर रैंडम।
हालांकि उनकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं बट मल्टीपल हैं, फिक्स रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है। अगर रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता या स्पेसिफिक नहीं होते तो क्या नहीं होते, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होते, लेकिन उनकी जो साइट्स हैं वो मल्टीपल हैं, कहीं से भी कट कर दे जाके। आप चाहते हैं कि जाकर हिंड थ्री या इको आर1 साइट पर कट करें तो ऐसा वो पॉसिबल नहीं है उसमें, इसलिए मैक्सिमम जो यूज किए जाते हैं वो रेस्ट्रिक्शन टाइप टू यूज किए जाते हैं, टाइप टू एंडो न्यूक्लियस। तो सबसे ज्यादा आरडीटी में कोई एंजाइम जो यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, वो भी टाइप टू। सो दीज आर दी अनदर टाइप ऑफ दी एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स, जहां कट करते हैं उनको रिस्ट्रिक्शन साइट या लिंकर साइट कहते हैं। इनका कटिंग पैटर्न जो होता है दो तरह का होता है, ये कट लगाते हैं विद ब्लंट एंड्स और ये कट लगाते हैं विद स्टिकी एंड्स। वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं आर नॉट यूज्ड इन आरडीटी, वो किसी काम के नहीं है, आरडीटी में यूज भी नहीं किए जाते हैं। बट जो स्टिकी या स्टैगर्ड एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टैगर्ड एंड्स भी बोलते हैं, वो यूज किए जाते हैं आरडीटी में। अभी बताऊंगा ये दोनों एंड्स क्या है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी स्पेसिफिकली वो यूज किए जाते हैं जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करें, जो स्टैगर्ड एंड प्रोड्यूस करें, ना कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस करें। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खासियत है कि वो है तो न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट ही करेंगे लेकिन स्पेसिफिक साइट से कट करेंगे, जिनको रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं इनको हम लिंकर्स भी कहते हैं। और ये होते क्या है, ये छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये पहले तो एंड याद रखेंगे, दो एंड, ब्लंट एंड और स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, जहां पर कट लगाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो होती है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। शॉर्ट पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए, जनरली 4 to 8 और सबसे कॉमन है 6 बेस पेयर की, 4 to 8 बेस पेयर लॉन्ग। ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है ये 4 to 8 बेस पेयर लॉन्ग है। अब मान लीजिए कोई डीएनए, पहले मैं लीनियर डीएनए ड्रॉ करता हूं, इसका साइज हमेशा बेस पेयर में आता है, ठीक है। इसके ऊपर बेसिस होंगे, ये ऊपर वाले स्ट्रैंड के बेस हैं, कोई भी बेस हो सकते हैं एटीजीसी में से, ये नीचे वाले स्ट्रैंड के बेसिस हैं, बेस का मतलब न्यूक्लियोटाइड बेस, आपस में ये लिंक भी हैं। तो लिंक होने के बाद ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, ये तीसरा बेस पेयर है, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस डीएनए का साइज हो गया 10 पेयर बेस पेयर। ऐसे ही इस तरफ और लॉन्ग होगा, इस तरफ और लॉन्ग होगा। अगर ये सर्कुलर भी है, मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, तो भी इस पर बेस पेयर होंगे, लाइक दिस, 1 बेस पेयर 2 बेस पेयर 3 बेस पेयर 4 बेस पेयर। तो जो लॉन्ग डीएनए है, कितना भी लॉन्ग डीएनए हो, उसका साइज हम बेस पेयर में मेजर करते हैं। तो उस पूरे लॉन्ग डीएनए पर मान लीजिए ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, मैं कहता हूं इतनी दोनों स्ट्रैंड्स पर, तो पूरे डीएनए में सपोज ये रहता लगभग 5000 बेस पेयर, तो लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए में एक छोटा सा टुकड़ा रेस्ट्रिक्शन साइट कहलाती है कंपैरेटिवली। हालांकि 5000 का जो कंपैरेटिव टुकड़ा 6 बेस पेयर इतना नहीं होगा, उससे भी बहुत ज्यादा छोटा होगा, बट मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किसी भी पूरे लॉन्ग डीएनए में बिल्कुल छोटी साइट्स होती है। कितनी छोटी, 4 to 8 बेस पेयर लॉन्ग, कॉमन है 6 बेस पेयर की, बट 4 की भी हो सकती है और 8 की भी हो सकती है, 8 न्यूक्लियोटाइड्स की भी हो सकती है। इनको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। और इनकी खासियत यह है कि ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस होती है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस होने का मतलब कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही लगभग फिक्स बता दिया गया है। पैलिंड्रोम वो वर्ड होते हैं जो दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट से सेम होते हैं, जैसे मैडम वर्ड। मैडम वर्ड को आप यहां से पढ़ेंगे तो MADAM, लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो भी MADAM। तो सिमिलरली डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐसे हों जो दोनों तरफ से, एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड की तरफ जाए तो सेम सेंस देते हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ AA GC TT, ये हिंड थ्री है रिस्ट्रिक्शन साइट। देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, A A G C T और T। तो यहां से पढ़िए A A लेफ्ट टू राइट, पहले ऊपर स्टैंड पर A A G C T T, आप राइट टू लेफ्ट पढ़िए नीचे वाले स्टैंड पर AA GC TT। तो ये है रेस्ट्रिक्शन साइट।
सॉरी ये है पैलेंड्रोमिक साइट, और कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये हिंड थ्री। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट हो सारे पैलेंड्रोम सीक्वेंस होते हैं। पैलेंड्रोम सीक्वेंस क्या होते हैं ये चीज आप समझ लीजिए कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम सेंस दे, जहां दो स्ट्रैंड है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर, एक स्ट्रैंड पर लेफ्ट टू राइट दूसरे पर राइट टू लेफ्ट, वो सेम सेंस दे। एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं, GAA TTC, ये इको आर वन रिस्ट्रिक्शन साइट है, इसको देख लीजिए आप, CTTAAG, देखिए इधर से GAA TTC, इधर से देखिए GAA TTC, तो ये कहलाती है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। और छह बेस पेयर लॉन्ग है, देख लीजिए, चाहे हिंड थ्री भी छह बेस पेयर लॉन्ग थी और इको आर वन भी सिक्स बेस पेयर लॉन्ग है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट पूरे डीएनए फ्रेगमेंट में जिसको आपको कट करना है, मान लीजिए इस डीएनए फ्रेगमेंट को कट करना है तो इस पर छोटे छोटे टुकड़े, ये मान लीजिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो यहां आकर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करेगा, ये रेस्ट्रिक्शन साइट से ही कट करेगा डीएनए फ्रेगमेंट को और कहीं से कट नहीं कर सकता। कट करता है इंटरनली, इसलिए एंडोन्यूक्लियस है, दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ कट कर सकता है एक ही बार में, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों स्ट्रैंड्स को क्लीव करते हैं, इको आर वन हिंड थ्री ये रेस्ट्रिक्शन साइट के एग्जाम्पल है, यही एंजाइम्स हो जाते हैं। जैसे एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल बताता हूं, इको आर वन एंजाइम, ऐसे ही हिंड थ्री एंजाइम, तो ये जो है आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं। तो ये तो बात रही रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में, अब हम देखते हैं कटिंग पैटर्न क्या है, कैसे कट करते हैं वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स को। देखिए जब ब्लंट एंड प्रोड्यूस किए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विद ब्लंट एंड्स, पहले वो ड्रॉ करता हूं, जो कि यूज नहीं किए जाते थे, मैंने बताया था आरडीटी में ब्लंट एंड यूज नहीं किए जाते क्योंकि बाइंडिंग कराने के लिए स्टिकी एंड्स ही जरूरी हैं। सपोज ये कोई डीएनए फ्रेगमेंट है, मान लीजिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहां डाला गया इस प्लेस पर, देखिए ब्लंट एंड वाली जो होते हैं वो जनरली रेस्ट्रिक्शन साइट चूज नहीं कर पाते। तो ब्लंट एंड में क्या होता है, दोनों देखिए जब यहां से कट जाएगा तो डीएनए कुछ इस तरह से दिखेगा, एक स्ट्रेच ये क्योंकि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया, दूसरा ये, तो डीएनए फ्रेगमेंट दो टुकड़ों में टूट गया इस तरह से, लेकिन दोनों टुकड़ों के एंड जो है वो फ्री नहीं है, केवल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सकते हैं एक दूसरे के साथ, अदरवाइज इंटरलॉक नहीं हो सकते। ये चीज मैं जब स्टिकी एंड बताऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगी आपको। ब्लंट एंड का आप मतलब समझिए कि एंड ब्लंट्स हैं, स्टिकी नहीं है, यानी चिपक नहीं सकते किसी दूसरे स्ट्रैंड पर। ये इस स्ट्रैंड से अगर लिंक भी होंगे वापस तो केवल लाइगेज एंजाइम से लिंक हो सकते हैं, ठीक है, किसी आने वाले डीएनए को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ये अदर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पेयरिंग से। यानी मान लीजिए ये एक पेयर है, दूसरा ये डीएनए फ्रेगमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पेयरिंग ये नहीं कर सकते, यानी बेस्ट लॉक मैकेनिज्म शो नहीं कर सकते आपस में, क्योंकि इनके एंड्स जो है वो ब्लंट है, केवल लाइगेज एंजाइम इनको जोड़ सकता है यहां से, तो वापस लीनियर हो सकते हैं आने वाले डीएनए के साथ। तो ये चीज यूज नहीं की जाती, ब्लंट एंड यूज नहीं किए जाते किसमें, हमारे आरडीटी में, इनको नॉन कोहेसिव एंड्स भी कहते हैं। तो डीएनए लाइगेज जो इनको इस तरह से जोड़ सकता है, ठीक है, डीएनए लाइगेज केवल इनको जोड़ सकता है, वो कॉमन नहीं होते आरडीटी के अंदर, केवल स्टिकी एंड्स को जोड़ने वाले लाइगेज एंजाइम जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, इसीलिए जो आपके ब्लंट एंड्स हैं ये यूज नहीं किए जा सकते। तो ये क्या करते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स को एक ही प्लेस से क्लीव कर रहे हैं, दे क्लीव बोथ स्ट्रैंड्स एट सेम प्लेस। देखिए किसी साइट को या रियल न्यूक्लियोटाइड्स को ड्रॉ करके भी मैं दिखा देता हूं आपको, मान लीजिए इस तरह से होता है CGA TCG, ये कोई रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, तो टी और ए के बीच में ही कट कर रहा है दोनों को, देख लीजिए, चाहे यहां पर ए और टी के बीच में या
टी और ए के बीच में ही कट कर रहा है। तो दो टुकड़े जो बने सीजीए टीसीजी, सिमिलरली यहां एजीसी जीसीटी, सेम पोर्शन पर कट कर दिया तो इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं होगी दो स्ट्रैंड्स की। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो बेयर नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है दूसरे के साथ बाइंड करने के लिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के साथ बाइंड करने के लिए, तो उनको हम कहते हैं ब्लंट एंड्स। कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पी वी यू वन या टू, ये एंजाइम्स के नाम है, ए एल यू वन स्मेल, ये सबसे कॉमन है, एस एम ए एल, ये कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ब्लंट एंड का सिंपल सा मतलब अगर डायरेक्ट कट कर दिया जाए इस तरह से, जरूरी नहीं है इक्वली कट किया जाए, मान लीजिए यहां से प्रोड्यूस कट कर दिया जाए तो भी इस तरह का फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होता, तो यहां एजिस पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से पेयरिंग के लिए कोई प्लेस अवेलेबल नहीं होता। तो इस तरह के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो यूज नहीं किए जाते, ब्लंट एंड्स यूज नहीं किए जाते। मान लीजिए ये कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, ये आपका फॉरेन जीन है, आई शुड टेक अ सेपरेट कलर, ये भी ब्लंट होता और यहां जो हम कट लगाते वो भी ब्लंट होता, ठीक है। मान लीजिए यहां हमने कट लगाया इसको इंसर्ट करने के लिए यहां पर, इतने एरिया में कट लगा दिया, मान लीजिए ये भी ब्लंट होता, अब जब इस फॉरेन डीएनए को हम लगाते हैं यहां पर, तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस होने की वजह से यहां पेयरिंग नहीं होती, ये सील हो चुके हैं यहां से, ऐसा लाइगेज प्रेजेंट नहीं है जो यहां इनको लिंक करा दे, ठीक है, इसीलिए स्टिकी एंड प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब मैं बताता हूं स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। तो इस तरह की पेयरिंग नहीं होती, ना ही इस तरह की कटिंग होती है, हमेशा स्टिकी एंड्स को छोड़ा जाता है ताकि इंटरलॉक मैकेनिज्म काम कर सके। वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये स्टिकी एंड्स किस तरह से कट किए जाते हैं। तो स्टिकी एंड्स में मैंने बताया था पैलिंड्रोम सीक्वेंस होते हैं, स्पेसिफिक साइट जो होते हैं वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस ही होते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो उसमें जो होता है दोनों स्ट्रैंड्स को, बोथ स्ट्रैंड्स आर क्लीव्ड एट सेपरेट प्लेस, दोनों को अलग अलग जगह से काटा जाता है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन तो वही रहेगी, दो न्यूक्लियोटाइड तो वही रहेंगे लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर पोजीशन अलग अलग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी समझिए, इको आर वन ही ड्रॉ करते हैं, सबसे कॉमन जो रेस्ट्रिक्शन साइट है जी डबल ए टी टी सी, जी डबल ए टी टी एंड सी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, सी डबल टी डबल ए और जी। अब देखिए फिक्स है कि जी और ए के बीच में कट करता है इको आर वन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला इको आर वन, ये साइट थी इको आर वन साइट, ठीक है। तो इसने क्या किया, देखिए जी और ए के बीच में कट करेगा दोनों स्ट्रैंड्स को, तो ऊपर जी और ए आए यहां तो ऊपर तो यहां से कटिंग कराएगा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा जबकि नीचे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा। वहां पर भी अगर आपको याद हो ब्लंट एंड में, वहां पर भी सेम साइट से कट किया गया था, लेकिन वहां डिफरेंस क्या था कि वहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट ही ऐसी थी जिन्हों जो ब्लंट एंड प्रोड्यूसिंग थी, ठीक है। जैसे मैं आपको याद दिला दूं फिर सीजीए टीसीजी, तो वहां पोजीशन सेम थी, एक सेकेंड, वहां देखिए ब्लंट एंड में रेस्ट्रिक्शन साइट ही ऐसी थी जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे थे या उनकी साइट ही ऐसी थी। जो स्टिकी एंड प्रोड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं, जैसे इको आर वन, जैसे बैम एच वन,
जैसे हेड थ्री, तो इनकी साइड्स ही ऐसी होती हैं जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेंगे अपने आप। पोजीशन वही है, देखिए पैलेंड्रोम होने का फायदा ही ये था, इसलिए तो पैलेंड्रोम यूज किए गए थे, ठीक है। पैलेंड्रोम सीक्वेंस इसलिए यूज किए जाते हैं जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर पाए। तो हुआ क्या कि हमने कट तो किया ए और जी के बीच में दोनों स्ट्रैंड्स को, तो देखिए इन दोनों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को हटाकर देखेंगे। ध्यान रहे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, सारे स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो ये आपस में स्टेबल है दोनों स्ट्रैंड। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये दोनों क्लीव होंगे, अगर कौन कौन से जो मैंने यहाँ पर पोजिशन ड्रॉ करी है, या मैं इनको अलग से हाईलाइट कर दू, ये तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए ड्रॉ करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड जी है, जी और ए के बीच का कनेक्शन टूट गया, तो ए, बट ए का दूसरे ए के साथ तो है, फिर टी के साथ है, फिर नेक्स्ट टी के साथ भी है, और सी के साथ भी कनेक्शन है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, जी का हाइड्रोजन बॉन्ड सी के साथ तो रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तो क्लीव ही नहीं किया गया, तो यहां जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो सी है। अब सी का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टी के साथ तो है, नीचे देख लीजिए चाहे, टी का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगले टी के साथ है, अगला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ए के साथ है, फिर ए के साथ है। बस इसको मैंने, मुझे अलाइनमेंट में ड्रॉ करना चाहिए, तो मैं थोड़ा नियर ड्रॉ कर रहा हूं इसको, अभी दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी। यहां जी था बेटे, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा है केवल, ठीक है। जी के नीचे सी है, सी के नीचे टी है, टी के नीचे फिर टी है, यहाँ ए, यहाँ ए, ए और जी के बीच का ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी टूट गया है, तो ये जी अलग। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए जी जो है वो सी से तो लिंक है, बिल्कुल लिंक है, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हट जाने की वजह से ये न्यूक्लियोटाइड अलग हो गए, यानी ये टुकड़ा अलग हो गया और वो इससे लिंक है। तो ध्यान से देखो, एक ऐसे और एक ऐसे, ये दो टुकड़े हो गए जिसमें फ्री न्यूक्लियोटाइड्स ये अवेलेबल है, ये आपस में बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लीव होने की वजह से ये टुकड़ा अलग हो गया और ये टुकड़ा अलग हो गया बिल्कुल। तो कैसे अलग हुए, देखिए दो फ्रेगमेंट ऐसे अलग नहीं हुए, बिल्कुल ब्लंट एंड। ये जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स बच गए, इनको स्टैगर्ड एंड्स या स्टिकी एंड्स कहते हैं, कौन से, ये दीज वन, दीज, क्योंकि जी सी तो आपस में बाइंड है, तो डबल ए डबल टी और नीचे भी डबल ए डबल टी, ये आपस में अवेलेबल है, तो ये कुछ इस तरह का टुकड़ा अवेलेबल हो गया, एक ऐसे और एक ऐसे, जिन पर दो न्यूक्लियोटाइड तो बाइंड हो गई है, उसके अलावा जितने भी न्यूक्लियोटाइड है वो सारे फ्री अवेलेबल है। यहां भी दो तो चलो बाइंड हो गए, उसके अलावा जितने भी न्यूक्लियोटाइड है वो फ्री अवेलेबल है कि आइए हम पर बाइंड कर लीजिए। इस तरह की कटिंग स्टिकी एंड्स कहलाती है, स्टिकी एंड या स्टैगर्ड एंड कटिंग कहलाती है। इस तरह की कटिंग करने वाले जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वही यूज किए जाते हैं, दीज आर यूज इन दी आरडीटी। तो रिस्ट्रिक्शन साइट की खासियत ये हो कि वो पैलेंड्रोम सीक्वेंस हो, सेम जगह से कट किया जाए, सेम जगह से कट करने पर क्या प्लेस, क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इनका कटिंग पैटर्न भी स्पेसिफिक होता है। इको आर वन ऐसा नहीं है कि यहां कट लगा देता, इको आर वन कट ही ए और जी के बीच में लगाता है, स्पेसिफिक साइट पर लगाता है, जिससे क्या बनते हैं, स्टिकी एंड्स। अब स्टिकी एंड का फायदा क्या होगा कि ये एक दूसरे के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री लॉकिंग कर सकते हैं, बजाय सिंपल लॉकिंग के, जो डायरेक्ट लॉकिंग होती थी उसकी बजाय ये आपस में क्या कर सकते हैं, लॉकिंग कर सकते हैं। तो ये फ्री एंड जो है ये स्टिकी एंड्स कहलाते हैं, ये डबल ए डबल टी, क्योंकि देखिए यहाँ भी जी और सी आपस में बाइंड है, तो ये तो किसी नए स्ट्रैंड से बाइंड करेंगे नहीं। अब इनको हम रियल एग्जांपल में समझते हैं, वहां कैसे ये काम करेंगे। कुछ इस तरह से कट लगाए जाते हैं, मान लीजिए ये रिस्ट्रिक्शन साइट है, हालांकि इतने लॉन्ग नहीं होते, एक्चुअली में 6-8 बेस पेयर लॉन्ग या 4-8 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं, बट एज कम्पेयर टू द क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, अप्रोक्सीमेटली 4-5,000 बेस पेयर, तो उस पर छोटी सी साइट, 4-8 बेस पेयर की साइट बहुत छोटी दिखेगी, बट यहाँ कटिंग पैटर्न दिखाने के लिए मैंने ये दिखाया है। तो दो रिस्ट्रिक्शन साइट मान लीजिए, दोनों सेम है, ये भी इको आर वन है, वो भी इको आर वन है, इन दोनों के बीच का फ्रेगमेंट कट करना है, यानी ये फ्रेगमेंट कट कर देना है। तो देखिए कटिंग जो होती है वो ब्लंट नहीं होती, एज आई ऑलरेडी डिस्कस, स्टिकी कट होती है। तो स्टिकी कट्स में आई एम ड्रॉइंग इट अगेन, जी स्टिकी कट्स में क्या होता है, एक ही जगह से दोनों एंड कट नहीं होते, दोनों स्ट्रैंड एक न्यूक्लियोटाइड के बीच से जरूर यूनिवर्सल पैटर्न है। तो जी और ए के बीच में अपर स्ट्रैंड कट हो रहा है, तो नीचे भी ए और जी के बीच में जहां ब्लैक एरो मार्क करें वहां से कटिंग होगी, ठीक है। कटिंग होते ही क्या होगा, देखिए यहां से ये टुकड़ा अलग हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड जी और ए के बीच से, ये फ्रेगमेंट ये जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं। सिमिलरली इधर भी जब मैं यहां लिखता ये सीक्वेंस, तो यहां उल्टा लिखता सी डबल टी,
AAG। तो यहाँ भी A और G के बीच में, यहाँ जो मैंने ब्लैक एरो रिप्रेजेंट किया है ऊपर यहाँ और नीचे A और G यहाँ होते, यहाँ कट लगाया जाता। तो अल्टीमेटली ये पूरा स्ट्रेच अलग हो गया, जहां जहां से कट लग चुका है अभी यहाँ से अलग है, तो ये ब्लैक टुकड़ा जो मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक पार्ट, सिमिलरली ऊपर यहां तक कट है, तो ऊपर ऊपर वाले स्ट्रैंड से तो ये पूरा ब्लैक पार्ट चला जाएगा। नीचे वाले स्ट्रैंड में देखिए ये यहां से स्टार्ट होगा कटना, क्योंकि ए और जी के बीच से न्यूक्लियोटाइड कट है, तो यहां से और यहां तक का। तो अपर स्ट्रैंड का ज्यादा पोर्शन चला गया है, लोअर स्ट्रैंड का लेस पोर्शन। ये पूरा ऑप्शन पोर्शन जो है ये एलिमिनेट हो गया है, किसमें से, हमारे ऑर्गेनिज्म में से, जहां से हम फॉरेन जीन लाए हैं, ठीक है, या हमने जहां से वेक्टर में से जो रीजन कट किया है जहां पर हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करेंगे। तो अभी वेक्टर की बात कर रहे थे, वेक्टर में रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आए, उन्होंने काम किया और स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर दिए। स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने के बाद देखिए कैसा अपीयरेंस आता है। नाउ सी दिस डायग्राम, द सेकंड वन। स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने के बाद यानी वो पोर्शन जो चला गया बाहर जिसमें हम जीन डालेंगे, वो इस तरह का कुछ बन गया। ओके, अब फॉरेन जीन जो लाया जाता है, ये ब्लू पोर्शन है हमारा फॉरेन जीन, इसको भी जब लाया गया था ऑर्गेनिज्म से तो रेस्ट्रिक्शन साइट ही कट करके लाए थे, तो इसके साथ भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स अटैच की गई थी और उनके भी देखिए वो भी स्टिकी एंड्स में कट कर आई थी। तो स्टिकी एंड के फ्री न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड है अपर स्ट्रैंड पर फ्री है, AATT, सिमिलरली यहाँ भी TTAA, ये अपर स्ट्रैंड पर फ्री है, ये यहाँ कर एज इट इज इंटरलॉक हो जाएंगे, ये टी के साथ ए, तो यहाँ ये ए आ जाएगा ऊपर से, फिर ए, फिर टी, फिर टी, ये यहाँ लॉक हो गया, सिमिलरली इधर भी लॉकिंग हो जाएगी ए के साथ डबल टी डबल ए, और बीच में इंसर्ट हो जाएगा क्या, फॉरेन जीन दैट इज ऑफ ब्लू कलर। तो उस रीजन में स्टिकी एंड्स आपस में ज्वाइन कर गए, इसीलिए नॉन कोइंसिडेंट्स या स्टिकी एंड्स जिनको स्टैगर्ड एंड्स भी कहते हैं, ये ज्यादा कॉमन है या ज्यादा यूज किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सो इट वॉज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस।